जय हिंद दोस्तों। हमारी प्रकृति में यदि हानिकारक जीव मौजूद हैं तो इन्हें नुकसान पहुंचाकर नियंत्रित करने वाले लाभदायक जीव भी हमारी प्रकृति में ही मौजूद हैं, ताकि किसी भी एक जीव की अधिकता ना हो और हमारी प्रकृति में संतुलन बना रहे। लेकिन अगर ऐसा है तो आखिर फसलों में इतने कीट रोग क्यों लगते हैं जिससे पूरी फसल ही खत्म हो जाती है? इसका जवाब बहुत ही कड़वा है, लेकिन यही सत्य है कि हमने प्रकृति में इतने बदलाव कर दिए हैं कि प्रकृति की इस क्षमता को हमने एक बड़े हिस्से में काफी हद तक खत्म कर दिया है। यानी जंगलों को छोड़कर बाकी हिस्सों में यह क्षमता लगभग खत्म हो गई है। यह वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़े खतरे का संकेत था, क्योंकि इन बदलावों के कारण कई देशों के जंगलों पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा था। अब जंगल में इतने घने और विविध माहौल में रासायनिक कीटनाशक या फफूंदी नाशक डालने से उल्टा दिक्कत बढ़ जाती। इसलिए वैज्ञानिकों ने प्रकृति में खोजना शुरू किया कि इस कीट या रोग का प्राकृतिक शत्रु कौन है, और इनका इस्तेमाल करके वापस प्रकृति में संतुलन को स्थापित किया। और इसी के साथ जन्म हुआ विज्ञान की एक नई इकाई का, जिसको आज हम बायो कंट्रोल एजेंट्स कहते हैं। दोस्तों, यह ज्ञान इतना जरूरी है कि यह बच्चों के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को पहले से ही इसका ज्ञान हो। दोस्तों, बायो कंट्रोल एजेंट्स को हिंदी में आप जैव नियंत्रक भी कह सकते हैं। आज विश्व में लगभग 200 देशों में दूसरे देश से कीट, फफूंद, वायरस, बैक्टीरिया इत्यादि को लाकर स्थापित किया जा चुका है, और यह काम हर देश की सरकार करती है समय समय पर। यानी जब भी कोई विशेष दिक्कत विकराल रूप लेने लगती है तो ऐसे कदम उठाए जाते हैं। जैसे हमारे देश से सन 1762 में पहली बार मैना चिड़िया को सिंगापुर ले जाया गया रेड लोकस्ट नामक कीट को नियंत्रित करने के लिए। इसी प्रकार सन 1792 में रेगिस्तान में उगने वाले प्रिकली पियर कैक्टस बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहे थे, जो एक विकराल रूप ले रहा था, और तब उनको नियंत्रित करने के लिए ब्राजील से एक कीट को भारत लाया गया। इसी प्रकार आजादी से पहले से अब तक अनेकों प्रयोग हमारे देश में किए गए हैं, जो आप पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सबसे नया उदाहरण है गाजर घास या कांग्रेस घास नामक खरपतवार के बढ़वार को रोकने के लिए बाहर से लाया गया मैक्सिकन बीटल कीट, जिसको सरकार समय समय पर हमारे देश में अलग अलग जगहों पर स्थापित कर रही है, और शायद अगले कुछ सालों में हमें गाजर घास की समस्या से निजात मिल जाए। लेकिन किसी भी जीव को बाहर से लाने के कई चरण होते हैं, और इन्हें कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरने के बाद ही किसी जीव को नए माहौल में स्थापित किया जाता है। क्योंकि जब भी हम किसी नए जीव जैसे कीट, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि को नए माहौल में लाते हैं, तो कुछ ऐसे परिणाम भी हो सकते हैं जो हमने सोचा ही ना हो। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक मेंढक को एक कीट के रोकथाम के लिए लाया गया, लेकिन इस मेंढक का ऑस्ट्रेलिया में कोई प्राकृतिक शत्रु नहीं था, जिसके कारण इनकी संख्या अनियंत्रित हो गई, और इन मेंढकों ने वहां दूसरे लाभदायक कीटों की संख्या भी काफी कम कर दी। इसलिए भले ही हमें हजारों प्रजातियां पता हैं जो करोड़ों हानिकारक प्रजातियों को खत्म कर सकती हैं, लेकिन फिर भी हम मुख्य तौर पर मात्र कुछ गिने चुने साधनों का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि सिर्फ यही ऐसे बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं जो उन हजारों प्रकारों में से उन सभी अग्नि परीक्षाओं को पार कर पाए हैं। इनमें से कुछ फफूंद हैं, कुछ वायरस हैं, तो कुछ बैक्टीरिया। दोस्तों, कीटों को हमारे देश में खरीद कर लाने का चलन नहीं है, क्योंकि अभी हमारे देश में मात्र इनके लिए उचित माहौल और थोड़ा संरक्षण देने पर इनकी संख्या बढ़ जाती है। यानी अभी हमारे पास प्रकृति को सुधारने का समय है, और ये तरीके मैं आपको अंत में बताऊंगा। फिलहाल तो आप लाइक कर दीजिए, और हम बढ़ते हैं साधारण तौर पर इस्तेमाल होने वाले बैक्टीरिया और फफूंद पर। और वायरस का मुख्य तौर पर प्रतिरोधी प्रजातियों को विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है अपने देश में। हालांकि कई दूसरे देशों में इन वायरस को किसी कीट में डालकर उनको वातावरण में छोड़ दिया जाता है, ताकि वे कीटों को इस वायरस से संक्रमित कर दें, या फिर सीधे स्प्रे करके भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अपने यहाँ फिलहाल इसका चलन नहीं है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर क्षेत्र का अपना एक अलग माहौल होता है, और हर माहौल में इन जीवों को जिंदा रखने की क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए बायो कंट्रोल एजेंट्स का असर अलग अलग होता है विभिन्न क्षेत्रों में। इसके अलावा एक ही क्षेत्र में अलग अलग मौसम के हिसाब से भी इनके प्रभाव में असर होगा। जैसे मई जून की गर्मी में किसी भी कंपनी का कोई भी बैक्टीरिया या फफूंद स्प्रे से देने पर कोई विशेष काम नहीं करेगा, क्योंकि सुबह से दिन भर इतनी गर्म हवाएं और तीखी धूप होती है कि सब निष्क्रिय हो जाएंगे। इस समय सिर्फ जमीन के नीचे वाले फफूंद या बैक्टीरिया या अन्य जीव जीवित रह सकते हैं, यदि मल्चिंग अच्छे से की गई है और साथ में पर्याप्त नमी आप बनाए रखते हैं। अन्यथा मल्चिंग के बिना खुले माहौल में इन महीनों में मिट्टी की ऊपरी सतह पूरी तरह से लगभग निर्जीव हो जाती है विषम परिस्थितियों के कारण, और यही कारण है कि आपको बार बार इन बायो कंट्रोल एजेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है।
दोस्तों बैक्टीरिया या जीवाणु जो अपने देश में बायोपेस्टिसाइड के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, वे हैं बैसिलस थ्रिंजेनिसिस, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस स्फेरिकस और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। इसी प्रकार फफूंद में रजिस्टर्ड हैं विवेरिया बैसियाना, ट्राइकोडर्मा विरिड, ट्राइकोडर्मा हर्जयानम, वर्टिसिलियम लिसानी, मेटाराइजियम एनिसोपोले, बैसिलोमाइसिस लिलासिनस और हिस्ट्रिला थॉम्सोनी। इसी प्रकार वायरस हैं एनपीएच वायरस, एनपीवी वायरस, सीपीवी वायरस, जीवी वायरस और ईपीएन वायरस। दोस्तों ये सभी बायो कंट्रोल एजेंट्स कई प्रकार के शत्रु कीट और फफूंद को खत्म करने में सक्षम होते हैं। जैसे सबसे पहले तो यह भोजन और जगह के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा करेंगे, यानी कंपटीशन करेंगे, जिससे कम भोजन और जगह शत्रु फफूंद और कीटों को मिलेगा और उनकी संख्या नियंत्रित होगी। इसके अलावा कई जीव कई प्रकार के जैविक पदार्थ निकालते हैं जो कि जहर होता है दूसरे हानिकारक जीवों के लिए, और इससे भी उनकी संख्या नियंत्रित होगी, और इसको वैज्ञानिक भाषा में एंटीबायोसिस कहते हैं। जैसे स्यूडोमोनास बैक्टीरिया हाइड्रोजन साइनाइड निकालता है जो कि जहर होता है कई प्रकार के कीटों के लिए, और ट्राइकोडर्मा तो इससे भी एक कदम आगे है। यह पौधों द्वारा दिए गए संकेतों के हिसाब से अलग अलग प्रकार के एंजाइम निकाल सकता है जो कई प्रकार के घातक रोगों को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार कुछ जीव परजीवी होते हैं, यानी एक जीव का जीवन चक्र दूसरे जीव पर निर्भर होता है, और ये निर्भरता कई प्रकार की होती है। जैसे कुछ जीव दूसरे जीवों के अंदर अपने अंडे को डाल देते हैं और ये अंडे दूसरे जीव के अंदर ही विकसित होने लगते हैं और लार्वा बनकर अंदर से दूसरे जीव को खाकर मार देंगे, जैसे पैरासिटाइडल वास्प होते हैं और मिलीबग्स में ये अपने अंडों को डाल देते हैं। इसी प्रकार कई फफूंद के अंदर कई प्रकार के घातक एंजाइम्स को निकालने की क्षमता होती है, जैसे किडनीज और लाइटिक एंजाइम्स, और इनकी मदद से ये कीटों के सख्त परत को भेद कर कई प्रकार के कीटों के अंदर जाकर उनको मार सकते हैं, जैसे ब्यूवेरिया बैसियाना और मेटाराइजियम एनिसोपोले, और ये लगभग 100 से अधिक प्रकार के कीटों को मारने में सक्षम होते हैं। आप दीमक, वाइट ग्रब और गर्डल बीटल जैसे गंभीर हालात पैदा करने वाले कीटों को भी आराम से इनसे काबू कर सकते हैं, और इन सब प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक भाषा में पैरासिटिज्म कहा जाता है। इसके अलावा कई फफूंद और बैक्टीरिया पौधों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी विकसित करते हैं, जिससे कीट और रोगों से बचाव पौधा स्वयं कर लेता है। इसको वैज्ञानिक भाषा में इंड्यूस्ड सिस्टमिक रेजिस्टेंस कहते हैं, या छोटे में ISR कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है टाइकोडर्मा, और सबसे सीधा तरीका है दोस्तों सीधे तौर पर दूसरे जीवों को मार कर खा लेना, और इसके असंख्य उदाहरण हैं जो आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और ऐसे ना जाने कितने लाभदायक कीट हैं जो कि हानिकारक कीटों को सीधे खाते हैं। दोस्तों ये नियंत्रण के तरीके संपूर्ण रूप से प्रकृति द्वारा विकसित हैं, और इसलिए इनके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित होना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए लंबे समय से इस्तेमाल होने के बावजूद भी आज भी उचित माहौल में ये उतने ही प्रभावशाली हैं जितने कि पहले थे। यहाँ तक कि इन सभी का इस्तेमाल प्रकृति में कोई भी दुष्प्रभाव नहीं छोड़ता और ना ही इनका कोई अंश फसल में बाद में दिखता है, इसलिए भी यह संपूर्ण सुरक्षित तरीका माना जाता है। इसके साथ इनको मल्टीप्लाई करना भी इतना आसान है कि किसान स्वयं से इनकी संख्या खुद घर पर ही बढ़ा सकता है, इसलिए ये किफायती भी हैं। दोस्तों बायो कंट्रोल एजेंट्स एकमात्र ऐसा उपाय है जो प्रयोग किए जाने के बाद सही रखरखाव से हमेशा के लिए आपके खेत या बागीचों में रह सकता है अपनी संख्या को बढ़ाकर, यानी इनको बार बार प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती यदि इन्हें संरक्षित माहौल मिल जाए। और यही कारण होता है कि जैविक खेती करने पर समय के साथ कीट और रोग का प्रकोप कम हो जाता है, क्योंकि रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल ना होने से प्रकृति में एक उचित माहौल बनने लगता है, और इस उचित माहौल में प्रकृति के साधन इन कीट और रोगों को नियंत्रित करने में स्वयं ही सक्षम होते हैं। लेकिन कई सालों से लगातार रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते करते हम इतना भ्रमित हो चुके हैं कि हम सवाल ही गलत पूछने लगे हैं। और सबसे बड़ा गलत सवाल है कि किस बैक्टीरिया या फफूंद को किस कीट के लिए या रोग के लिए इस्तेमाल करें, या फिर किस फसल के लिए इस्तेमाल करें, किसको आपस में मिलाना है, किसको आपस में नहीं मिलाना है। दोस्तों इन सब का सीधा जवाब है कि आप सबको सब में मिला सकते हैं, और आप सभी कीटों के लिए और सभी फसलों के लिए सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जैविक उपचार है, कोई रासायनिक उपचार नहीं है। मैं बार बार दोस्तों कह चुका हूँ और आज भी ये कहता हूँ कि प्रकृति आपके फसल की सुरक्षा तभी करेगी जब आप इसमें विविधता लाएंगे, और विविधता सभी के साथ ही होती है, सिर्फ एक से विविधता नहीं होती। और यह सिर्फ मैं नहीं कहता बल्कि वैज्ञानिकों ने भी इस पूरे कीट एवं रोग की सुरक्षा प्रणाली का नाम रखा है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी सबके साथ ही यह संभव है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
विज्ञान में बैक्टीरिया और फफूंद को मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे वैज्ञानिकों के हिसाब से बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने के लिए पानी की जरूरत होती है और साथ में आप गुड़, बेसन, ग्लूकोज इत्यादि मिलाकर इसको कर सकते हैं। और फफूंद को वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, नीम खली, सरसों खली इस तरह के ऑर्गेनिक पदार्थों में मिलाकर मल्टीप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर आप फफूंद को पानी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई तो अच्छे से होगा लेकिन सतह के ऊपर तैरता रहेगा। और इसका एक जबरदस्त उपयोग यह है दोस्तों कि आप थोड़ी सी परत उस पानी में रहने दीजिए ताकि वो फिर से मल्टीप्लाई हो जाए और बाकी फफूंद की परत को निकाल कर आप इसे अच्छे से मसल कर पानी में घोल कर मिला दीजिए। और इसको आप ड्रिप से भी चला सकते हैं और स्प्रे से भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो उसी ड्रम में पानी में ही इस फफूंद को डंडे से हिलाकर घोल दीजिए और सीधे उस पानी को निकाल कर स्प्रे या ड्रिप से भी चला सकते हैं। इन दोनों में लेकिन मेरा पसंदीदा तरीका ऊपर तैरते हुए फफूंद को निकाल कर करने वाला है क्योंकि यह सबसे शुद्ध और जीवंत रूप होता है उस फफूंद का। इसलिए थोड़ी सी मात्रा में भी उस परत के बहुत ज्यादा स्पोर्स मिलते हैं और पानी में घोलने पर और ड्रिप से चलाने पर यह आराम से चल भी जाता है। और इसलिए फफूंद वाले कीटनाशक जैसे ब्यूवेरिया बेसियाना या मेटारेजियम को मैं इसी तरह से इस्तेमाल करता हूँ। मेरे हिसाब से ये शॉर्टकट तरीका है जो आज तक किसी ने नहीं बताया है क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि आप फफूंद को पहले जैविक पदार्थ में मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उससे कंपोस्ट ही बनाइए और इसके बाद आप इसे ड्रिप या स्प्रे से दीजिए, लेकिन इस तरह में काफी समय लग जाता है। हालांकि आजकल कई कंपनियां पानी में घुलनशील जैविक पदार्थ में भी इस बायो कल्चर को बनाने लगी हैं और तरल रूप में भी ये मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन मेरे बताए तरीके से आपको बार बार इनको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक बार के खर्चे में ये सालों साल चलेंगे। बस हर महीने या दो महीने में आपको इसमें गुड़ वाला पानी या ग्लूकोज मिलाते रहना है। 200 लीटर के लिए दोस्तों 2 किलो गुड़ या 1 किलो ग्लूकोज काफी होता है। ध्यान रखिएगा, जितनी ज्यादा बार आप परत उतारेंगे उसी हिसाब से आपको इसमें गुड़ वापस मिलाना पड़ेगा। साधारण तौर पर 2 या 3 बार निकालने के बाद परत को आपको इसमें गुड़ मिला देना चाहिए। दोस्तों, इन जैविक फफूंद और बैक्टीरिया को खरीद कर तो लाया जा सकता है आसानी से और खेत में इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन मित्र कीट, पंछियों और अन्य मित्र जीवों को लाने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इनकी संख्या बढ़ाने के लिए आपके खेत के आसपास बाग या पर्याप्त पेड़ होने चाहिए जिससे वे अपना आश्रय इसमें बना सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी थोड़ी फसलें केवल मेड़ों पर लगाएं जिनकी शाखाएं मजबूत होती हैं और लंबे अवधि की फसलें होती हैं, जैसे अरहर हो गया, ढैंचा या गन्ना। इसके अलावा कई कृत्रिम घर भी कीटों के लिए बनाए जा सकते हैं, लकड़ियों का ढेर बनाकर या लकड़ियों में ड्रिल मशीन से छेद करके किनारों पर इसको आप गाड़ सकते हैं, या कोई मोटी लकड़ी हो तो उसमें सिर्फ आप सुराख कर दीजिए और कहीं किनारे रख दीजिए। इन सब में कीट आकर स्वयं बस जाएंगे। इस तरह के अनेक उपाय से मित्र कीट के लिए एक संरक्षित वातावरण बन जाता है। इसी प्रकार मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और फफूंद को संरक्षित करने के लिए आप मल्चिंग लगाकर यह काम कर सकते हैं। दोस्तों, एक सवाल जो हमेशा आप पूछते हैं कि बायो कल्चर की मात्रा क्या रखे, तो इसका भी दोस्तों सीधा सा जवाब है कि जितनी मर्जी हो उतनी रखें या जितना उपलब्ध हो उसके हिसाब से रखें, क्योंकि आप जितना भी डालें वो कम ही रहेगा और भरपूर असर आपको इनका तभी दिखता है जब इस्तेमाल के बाद ये खुद पूरे खेत में स्वयं मल्टीप्लाई हो। और ये नियम सभी बायोकल्चर पर लागू होता है क्योंकि जिसका असर खेत में मल्टीप्लाई होने पर दिखता है उनकी मात्रा आप 200, 500 या 1000 लीटर भी डाल दीजिए तो भी अधिक नहीं होगा, क्योंकि 1 एकड़ खेत में मात्र 1 इंच पानी भरने के लिए लगभग 1 लाख लीटर पानी लगेगा। इसलिए स्प्रे या पानी में देकर इनकी अधिकता करना संभव ही नहीं है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि बायो कंट्रोल एजेंट्स का स्प्रे सुबह या शाम को करना चाहिए, लेकिन सुबह में आपको पौधों पर ज्यादा मित्र कीट ही मिलेंगे और शत्रु कीट सामान्य तौर पर रात्रि में ज्यादा सक्रिय होते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा शाम को ही स्प्रे करें क्योंकि रात में तापमान कम और ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और यही माहौल चाहिए बैक्टीरिया और फफूंद को सक्रिय होने के लिए। दोस्तों, ये विषय इतना बड़ा है कि इसके ऊपर लोग कई सारी वीडियोस बनाते हैं। हालांकि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में देने का प्रयास करूं, लेकिन यदि फिर भी आप कहेंगे तो इन सबके ऊपर अलग अलग वीडियोस लाई जाएंगी, तो कमेंट करके बताइएगा और लाइक करना याद रखिएगा। बाकी हमेशा की तरह दूसरों के साथ शेयर करते रहिए और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।